गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने एसएससी फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन यूनिट फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के अंतर्गत हम पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं व्यक्तिगत एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों का अध्ययन कर रहे थे। हम पूर्व में इसके 10 बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम उसी से 11 पॉइंट से अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत घरेलू वस्तुओं पर स्प्रे अथवा पेंट नहीं करना चाहिए, घरेलू वस्तुओं पर स्प्रे द्वारा पेंट नहीं करना चाहिए, उन पर ब्रश से ही पेंट करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे की वाष्प सांस संबंधी रोगों को जन्म दे सकती है। घरेलू वस्तुओं पर स्प्रे द्वारा पेंट नहीं करना चाहिए, उन पर ब्रश से ही पेंट करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे हमारे श्वास संबंधी अन्य प्रकार श्वास संबंधी बीमारी को जन्म दे सकता है। नंबर 12, घरों में छोटे छोटे पौधे लगाना और छोटा सा चिड़ियाघर बनाना अत्यंत उपयोगी, घरों में छोटे पौधे लगाना और छोटा सा चिड़ियाघर बनाना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और पक्षी कीड़ों के शत्रु होते हैं। नंबर 13, कागजों और पेड़ पौधों की पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ढेर के रूप में एकत्रित कर लेना चाहिए, ये बात अच्छी प्रकार के खाद के उपयोग में आते हैं। नंबर 14, कार का पेट्रोल शीशा धातु से युक्त होता होना कार का पेट्रोल शीशा धातु से मुक्त होना चाहिए, ताकि वायु में कम से कम शीशा प्रदूषण हो, कार का पेट्रोल शीशा धातु से मुक्त होना चाहिए ताकि वायु में कम से कम शीशा प्रदूषण हो। नंबर 15, जिन स्थानों पर बर्फ पड़ती है वहाँ बर्फ को हटाने के लिए नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिन स्थानों पर बर्फ पड़ती है वहाँ बर्फ को हटाने के लिए नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमक के अधिक प्रयोग से जल प्रदूषित हो जाता है। नंबर 16, यदि आप कई मंजिल के मकान में रह रहे हैं तो छत पर या खिड़कियों पर पौधा लगाना अत्यंत उपयोगी है, ये केवल मकान की सुंदरता ही नहीं बल्कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। नंबर 17, छोटी दूरियों के लिए कारों के स्थान पर साइकिल का भी प्रयोग करना चाहिए, छोटी दूरियों के स्थान पर कारों के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। अंतर्दहन इंजन वाले वाहन का जितना कम से कम प्रयोग हो उतना ही हमारे लिए उत्तम है। नंबर 18, एक ही क्षेत्र में रहने वाले तथा एक ही कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों को कर्तव्य है कि वे कारों और स्कूटर का प्रयोग संयुक्त रूप से करें। एक ही कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति एक ही स्कूटर या कार का प्रयोग करें। नंबर 19, भीड़ वाले व्यस्त समय में मोटर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और चौराहे पर यातायात नियमों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 20, लाल बत्ती पर गाड़ियों को बंद कर देना, लाल बत्ती पर गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की मात्रा को कम कर देंगे। नंबर 21, चीनी मिट्टी से बने प्लेट प्यालियों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, कागज से बनी प्लेट प्यालियाँ कम से कम प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि ये भूमि प्रदूषण करती है, कागज के नैपकिन की जगह तौलिया प्रयोग करना चाहिए। नंबर 22, विद्यालय की कॉपियों पर या दूसरे कामों पर विद्यालय की कॉपियों पर या दूसरे कामों को कागज के दोनों ओर लिखना चाहिए। नंबर 23, प्लास्टिक की थैलियों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, यदि प्रयोग करना ही है तो हमें बार बार प्रयोग करें। आज इतना ही, कल हम इसका शेष
आगे उसका अध्ययन करेंगे जिसमें लगभग 10 बिंदु और पक्का लेंगे, वो कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, नमस्ते।